गीता का शुभारंभ जहां से हुआ वो यात्रा विषाद से प्रसाद की यात्रा है। एक ऐसे मन को शक्तिशाली बनाया भगवान ने जो इतना विषादग्रस्त हो गया कि उसे सिंहासन खून से सनावा दिखाई देने लग गया। संघर्ष की उस स्थिति में उसका मन भी डामाडोल था, क्योंकि बचपन से होते हुए अपने जीवन के साथ, भाइयों के साथ, परिवार के साथ अन्याय को देखा था। उसने देखा था किस तरह से भाई भीम को गंगा में फेंका गया, विषैली खीर खिलाकर लाक्षाग्रह में किस प्रकार से भाइयों को जलाने की कोशिश की, और किस प्रकार से द्यूत में जीवा में चालाकी से जो भी कुछ उनके पास था वो सब छीन लिया गया, और किस तरह से जंगलों में भटकने के लिए छोड़ दिया गया, और किस प्रकार से ये भी शर्त लगा दी गई कि अगर एक वर्ष अज्ञातवास में पकड़े गए फिर वापस चले जाओगे। अन्याय की इंतहा थी। उसके बाद भी ये कह दिया गया कि चलो पांच गांव मिल जाएं, संतोष हो जाएगा, युद्ध टल जाए। अहंकार ने वो भी मंजूर नहीं किया। अहंकार ने कह दिया सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे, हिम्मत है तो लड़कर लो। लड़ने के लिए उद्यत हुए तो युद्ध भूमि में कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को वहां लेकर चलो जहां दोनों सेनाएं खड़ी है, मैं देख तो लूं। धर्म और अधर्म की सेना में कौन कौन खड़े हैं। और जब वहां भी ये देखा कि वो सब लोग हैं जो जानते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर का पक्ष धर्म का मार्ग है, क्योंकि इनके साथ अन्याय हुआ, फिर भी लोग पूरी दुनिया भर के राजा वहां खड़े हो गए जाकर अपनी फौजें लेकर अधर्म के साथ। और धर्म अकेला कमजोर सात अक्षोहिणी सेना वाला, कृष्ण भी साथ बैठे हुए हैं उसके बाद भी, और की तो बात छोड़िए, भीष्म भी वहीं खड़े हैं जिनकी गोद में बचपन पला था, जिन्होंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी वो द्रोणाचार्य भी उन्हीं के साथ खड़े हो गए, और जिस कुल गुरु ने संस्कार दिए थे, नाम तक रख दिए थे, वो भी तो वहीं जाके खड़े हो गए, कृपाचार्य भी वहीं है। और तो और मां से भी बढ़कर जो मां है, मां मां वो मामा भी वहीं दिखाई दिया। सारे वे लोग जो ये कह रहे थे कि हम मानते हैं तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, तुम्हारा साथ दिया जाना चाहिए, अन्यायियों के साथ खड़े हो गए। इतनी बड़ी सेना सज गई उनकी। तब अर्जुन ने कह दिया कि अगर ये सब इसलिए एकजुट हो गए हैं कि राज सिंहासन पर हम नहीं बैठे हैं, ये लोग बैठे हैं, राज सिंहासन इतना प्रिय हो गया और फिर मैं इसे प्राप्त करूं तो सबको मारकर खून की नदियां दरिया बहाकर फिर मुझे ये मिले, नहीं चाहिए राज्य, लड़ना मुझे ठीक नहीं लगता। यहां तो कह दिया कि भिक्षा मांग लेंगे, हम वन में रह लेंगे, गुजारा कर लेंगे, नहीं चाहिए राज्य, यहां विषाद की इंतहा है। एक अवसाद, एक निराशा जब चरम तक पहुंच जाती है, उस चरम पर बैठा है अर्जुन, और यहीं से शुरुआत होती है कृष्ण भगवान के संदेशों की। ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये धर्म का युद्ध है, ये कर्तव्य का युद्ध है, ये उनकी
आशाओं का, विश्वास का युद्ध है, जिनके प्रतीक बनकर तुम खड़े हो, धर्म वाले वो सच्चे लोग। सच्चाई इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुम कायर नहीं बनो। कृष्ण भगवान ने वो सब समझाया कि तुम्हारे युद्ध न करने से क्या होगा, और अर्जुन ने यह समझाया कि युद्ध करने से क्या होगा। उसने ये कह दिया कि कितनी विधवाएं महिलाएं होंगी और समाज का वातावरण क्या होगा, ये सारी परिस्थितियां समझाई गई और इन सब को आप लोगों ने अनेक बार सुना है। मैं बताना चाहता हूं कि विषाद जैसी स्थिति जिंदगी में कितनी बार हर किसी के आती है, कितनी बार लोग जो है अपनी बीमारी से लड़ना छोड़ देते हैं, कितनी बार लोग अपने कर्तव्य पालन को छोड़ देते हैं, कितनी बार ऐसी भी स्थिति होती है कि घर परिवार में अपने ही बच्चों के द्वारा ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं जब आदमी सोचता है कि जीने का अब कोई अर्थ नहीं है। कितनी बार ऐसी भी स्थितियां होती हैं कि जब दिखाई देता है कि रुपए पैसे को बच्चे, अपने ही बेटे, अपनी संतान इतना महत्व देने लग जाते हैं तो बड़ों की पगड़ी उछाड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में वो घर घर नहीं लगता, क्योंकि दिखाई देने लग जाता है कि जिस छत के नीचे हम बैठे थे ये छत नहीं थी, ये प्यार का मंदिर था, और उसको आज किरच किरच करके तोड़ दिया गया है, अब इसमें रहने का कोई फायदा नहीं। बहुत लोगों को देखा है घर परिवार को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि कृष्ण भगवान ने जो संदेश देकर अर्जुन को जागृत किया और जो गीता में समझाया गया, वहां दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, इन्हें पकड़ने की चेष्टा करना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विचारों से तो जागृत किया ही, भावनाओं से भी जागृत किया। दोनों में बड़ा अंतर है। जब हम कहते हैं प्रेम करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, तो ये तो हुआ विचार, और जब प्रेम पूर्वक हम प्रेम की भावनाएं लाकर व्यवहार करने लग जाते हैं तब विचार नहीं होता, तब होती है भावना, और जैसी हमारी भावनाएं होती हैं उसी के अनुरूप विचार होते हैं। विचार भावनाओं को पैदा करते हैं, भावनाएं विचारों को पैदा करती हैं, और ये जिंदगी भावनाओं में चलती है। इसलिए कृष्ण भगवान ने जब ये कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, यहां भावनाओं की बात है, करुणा की भावना ले आओ अर्जुन, मित्रता की भावना ले आओ। दुनिया में अब तक ज्यादातर कार्य जो है वो विचारों पर हुआ है, इसलिए मैंने सुबह जो आपको रट्टू तोते वाली बात सुनाई थी, मैंने सुनाया था कि तोता रिंगटोन की आवाज निकाल रहा है और अपने मालिक को भ्रमित कर रहा है। तो कितने कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में रटने वाले लोग भी बैठे हैं, वहां सूचनाओं का संग्रह तो है, इंफॉर्मेशन तो है, डिग्री है, नौकरी मिलती है, और व्यवहार के कारण नौकरी से बाहर कर दिए जाते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता न होने के कारण, क्योंकि बुद्धिमत्ता का जो आज मापक रूप माना गया है उसमें आईक्यू लेवल पर अब तक काम हुआ था। डैनियल गोलमैन ने जब इमोशन पर काम शुरू किया तो उसने भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर जोर देने के साथ इस बात को कहा कि सबसे ज्यादा विकास मनुष्य की बुद्धिमत्ता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का होना चाहिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता वो होती है जिसमें हम भावनाओं में लाकर लोगों से बड़े काम करा लेते हैं। जब भावनाएं जुड़ा करती हैं तो कितने बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जब आप लोग इकट्ठे मिलके एक साथ एक स्वर में, एक मंत्र में, एक भाव में प्रार्थना करते हैं,
आप नहीं जानते उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब सामूहिक रूप से आरती करते हैं और साथ में दिया भी जल रहा होता है तो उस समय विद्युत तरंगें कितनी फैलती हैं वो आप लोग नहीं जानते, बड़ा जबरदस्त प्रभाव होता है। इसलिए घर में जब भी आरती वंदन हो सारे घर के लोगों को इकट्ठा करिए, वो बहुत अद्भुत प्रभाव डालती है चीजें। समवेत स्वर में किया गया पाठ, और कभी कभी तो इतना बड़ा प्रभाव देखने में मिलता है कि जब फौज मार्च पास्ट करती हुई और बैंड बजता हुआ चलता है और एक रिदम के साथ पग ताल करते हुए कदम ताल करते हुए जब वो चल रहे होते हैं, वो जो जोश बना करता है वो भावनाओं को उद्वेलित करता है। जब हम अपने झंडे के सामने खड़े होकर के अपना राष्ट्रगान गाते हैं, वहां विचार कम होते हैं, भावनाएं ज्यादा होती हैं। हमारे जितने भी प्रतीक हैं वो सब भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हैं। मनुष्य के ऊपर भावनाएं राज करती हैं, और मां तो बच्चे को जो देती है उसके प्रेम में शब्द कम होते हैं, भावनाएं बहुत होती हैं। मनुष्य जीता ही भावनाओं से। भावनाओं को हमारी कोई समझ पाए, अद्भुत है। जो हमें समझता है तो समझ लेना चाहिए कि वो बहुत ऊंचा इंसान है। ये ठीक बात है कि दुनिया जो है आपके दिखावे पर जाती है, परमात्मा दिखावे को नहीं देखता, वो तो आपके अंतःकरण को आपके हृदय को देखता है। अगर आप अंतःकरण में दोष लेकर बैठे हैं तो फिर भगवान तक आप नहीं पहुंचते। दुनिया के सामने आप कितना भी दोष लिए बैठे रहे, बाहर दिखावा अच्छा होना चाहिए। इसलिए लोग प्रदर्शन में ज्यादा लगे हुए हैं। तो निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे कि भावनात्मक रूप से हमें सबसे पहले अपने ऊपर परिवर्तन लाने की चेष्टा करनी चाहिए, और भावनाओं के स्वरूप को समझने से पहले ये बात जरूर समझिए, इनके विपरीत शब्द जब आपके सामने आते हैं, जैसे प्रेम कहा तो प्रेम से विपरीत है घृणा, और जिसके प्रति हमारे मन में घृणा होती है फिर उसकी निंदा करके बस लेते हैं, उसकी आलोचना में अच्छा लगता है, और उसकी कोई निंदा करने वाला मिल जाए तो बहुत रस आता है, फिर बहुत अच्छा लगता है उस बात को सुनने में, क्योंकि हमारे मन में घृणा है। जिस बच्चे के प्रति माँ का अनंत प्रेम होता है, आपने देखा होगा बच्चे की सारा दिन माँ तारीफ करती है, और वो आदमी अच्छा लगता है जो अपने उसके बच्चे की तारीफ करे, क्योंकि वहां प्रेम है। जहां घृणा है वहां आलोचना, वहां निंदा, वहां चुगली, वहां तरह तरह से नीचा दिखाने का प्रयास, और वो सोचता भी नहीं आदमी कि मैं कर क्या रहा हूं। मजे की बात यह है कि इन सब के ऊपर एक चीज राज करती है, वो है अहंकार। अहंकार इतनी भयंकर चीज है, सारे दोष ही उसमें आकर के छिप जाते हैं, लेकिन इस समय हमारा वो विषय नहीं है कि उस पर हम चर्चा करें। मैं आपसे कुछ चीजें इस समय कहूंगा जिन पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, गीता में आप सबसे पहले एक चीज अनुभव करते हैं, गीता का योग शब्द, जिससे हमारा वियोग हो गया उससे हम जुड़ जाएं, उससे हमारा योग हो जाए। वियोग किससे है हमारा? हमारी खुशियों से, हमारे आनंद से, हमारे प्रेम से, हमारी शक्ति से, हमारी निर्भयता से। हम भय से जुड़े हुए हैं, हमें निर्भयता चाहिए। हम घृणाओं की दुनिया में हैं, हमें प्रेम चाहिए। हम अशांति की दुनिया में, हमें शांति चाहिए। हम असुरक्षा की दुनिया में हैं, हमें सुरक्षा चाहिए।
हम डेंजर जोन में खड़े हुए हैं तो हमें कंफर्ट चाहिए। हर आदमी दुखों से बचना चाहता है, और जहां जाकर के ये सारी चीजें एक हो जाती हैं, जहां प्रेम भी, शांति भी, निर्भयता भी, निश्चिंतता भी, उस चीज का नाम है आनंद। तो आनंद से हम बिछड़े हुए हैं और आनंद से जुड़ जाने का नाम ही योग है। इसलिए आप समझ लीजिए कि किसी भी दृष्टि से सही, चाहे कर्म के माध्यम से, चाहे ज्ञान के माध्यम से, चाहे भक्ति के माध्यम से, या अन्य जितने भी योग हैं उन सब के माध्यम से आपको एक ही जगह जुड़ना है, और वह है आनंद। आनंद से जुड़ना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। सबसे बड़ी सफलता जीवन की यही है कि हमारे जीवन में आनंद रहे, हम आनंदित हो सकें। हम सभी एक ही चीज को ढूंढ रहे हैं, और वह है आनंद। और ये वहीं मिलेगा जहां उस का स्रोत है। मजे की बात यह भी देखिए, हर वह चीज जो इस दुनिया में है वह अपनी पूर्णता को खोज रही है। शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है। 125,000 शिवलिंगों का तो पूजन हो गया यहाँ, और इसी तरह से सारे बैठकर एक साथ भगवान शिव की आराधना करेंगे। ये मौका मिलेगा आप सभी को, तो इसके लिए मेरा निवेदन है आप सभी से, अभी से तैयारी कर लें। और ये सामने स्थान बन रहा है, सुमेरु पर्वत सामने जो बन रहा है, जिसके बीचों बीच श्री यंत्र लग रहा है, 250 किलो से भी ज़्यादा का पीतल का श्री यंत्र सामने लगाया जाएगा, और एक साइड में गणपति भगवान, कुबेर जी और लक्ष्मी माता होंगी, सामने ये श्री यंत्र, और 12 ज्योतिर्लिंग, 12 महादेव, 12 राशियों के अनुसार 12 महीने आप अपने जीवन में खुशहाल जीवन जी सकें, उसके लिए ये पूरा का पूरा तीर्थ स्थान बन रहा है। और जहाँ ये वट वृक्ष है, जहाँ बैठ के आज आपने पूजन किया, 21 दिन पहले से ही यहाँ 108 ब्रह्मचारी पंडित लोग रोज पाठ करना शुरू करेंगे, जिससे जो लोग यहाँ पूजन करने आए उन पर पूरी कृपा हो सके, क्योंकि भूमि जितनी जागृत होगी, स्थान जितना जागृत होगा, उतना ही चमत्कार जीवन में होगा। इसलिए अभी से इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और है, यहाँ जहाँ ऊपर देख रहे हैं ना, यहाँ शिव पार्वती माता जिन्होंने श्री यंत्र बनाया था ना, उन्हीं को ऊपर बैठा रहे हैं, उनकी मूर्ति बन रही है अभी, और कारीगर आए हुए हैं बनाने के लिए, और वो गढ़ते जा रहे हैं। बहुत जल्दी भगवान शिव और पार्वती माता यहाँ विराजमान हो जाएंगे, शिवरात्रि पर आप दृश्य देखोगे। अन्नपूर्णा योजना, इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग ले और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200, 9560729279
सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है